A very good evening to all my students. Hello everyone. Good evening. Welcome to GoPrep Bache. Myself Seep. Hi Raj. Very good evening. Hi Nisha. Hello Nafisa. How is everyone doing? आज मैम थोड़ा सा 2 मिनट्स लेट हो गया सेशन, बट इट्स ओके. आई फेल सो गुड कि आप सब यू आर ऑलरेडी वेटिंग इन द चैट रूम. कभी कभी ऐसा हो जाता है ना. गुड इवनिंग निकिता. हाय विवेक. वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन. वेल्कम टू गोप्रेप बच्चे. माई सेल्फ सीप. अब तो शायद आपको नाम याद हो गया होगा. यस, आज तो मेरे ऊपर स्टारफिश है. बिल्कुल ठीक पकड़ा. बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट दी स्टारफिश, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्टारफिश, है ना. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टारफिश व्हिच बिलोंग्स टू द फाइलम दैट इज इकाइनोडर्मेटा. यस यशवीर, इट वॉज अ सरप्राइज, बट सिंस यू हैव आस्ट इन द बिगिनिंग ओनली, यस वी आर गोइंग टू हैव अ मेंटी ऑल्सो, दैट इज गोइंग टू बी अ मिनी मेंटी. जैसे हम रोज करते हैं मिनी मेंटी. आफ्टर दिस सेशन देयर वुड बी 4-5 क्वेश्चन जस्ट टू चेक योर नॉलेज कि आज आपने कितना सीखा, है ना. Because I felt that you are enjoying that m square part a lot. m square पता चल गया ना, that is mini menti. So mini menti since बच्चे इतना ज़्यादा enjoy कर रहे थे, so I thought why not to include it in my every lecture, so that आपको उसी time पता चल जाए कि आपने 45 minutes में 50 minutes में कितने अच्छे से gain किया. चलिए start करते हैं with our session. So today we are going to talk about two phylums of नॉन कॉर्डेट्स. आज हम नॉन कॉर्डेट्स खत्म करने वाले हैं. पहला हम करेंगे इकाइनोडर्मेटा, दूसरा हम कौन सा करेंगे, हेमिकॉर्डेटा. सो बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज योर टुडेज आइटनरी, टुडेज टाइम टेबल. आज आपने इतने सारे अच्छे लेक्चर्स मैराथन सीरीज के लगा लिए हैं. एनविजन 650 प्लस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब कर लिया है. आपके अंदर नॉलेज पूरी भरी हुई है, बट स्टिल यू गाइज आर हेयर विद येट अनदर सेशन. अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, नॉन कॉर्डेट्स खत्म कर देंगे आज. देन वी विल यू विल अटेंड अ लेक्चर ऑफ फिजिक्स, और उसके बाद लास्ट में यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट chemistry. Again, I am going to tell you a good news that we are launching a test, that is GoPrep Talent Search Examination, GTSE. जैसे NTSE होता था ना क्लास 10th में, याद आया किस किस ने NTSE दिया हुआ है क्लास 10th में. Come on, tell me everyone. Who has ever appeared in NTSE? 10th में होता था एक exam NTSE. ओके, प्रशांत ने दिया है, सूरज ने दिया है, नरगिस, चैतन्य, विवेक सब बच्चों ने दिया है. सो सेम वे देयर इज एन एग्जाम दैट इज कॉल्ड एज जीटीएससी, दैट इज ग्रेड अप गोप्रेप टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. द रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ गुड काइंड ऑफ सरप्राइजेस. जैसे जैसे आपके मार्क्स आएंगे, आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है. इसमें बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्राइजेस हैं, और जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन में अपियर होंगे, दैट मीन्स दे विल जस्ट सिट इन द एग्जामिनेशन, जो पेपर देंगे दे विल गेट अ फ्री मिनी कोर्स ऑफ गोप्रेप. फ्री मिनी कोर्स. मिनी कोर्स कौन सा था, वही 1 वीक वाला कोर्स. वो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली इफ यू विल अपियर. माही आपने भी दिया है. ओके विवेक, यू हैव क्वालिफाइड सेकेंड स्टेज ऑफ एनटीएससी. वेरी गुड, दैट वॉज नॉट इजी, बट सिंस यू हैव क्वालिफाइड इट शोज कि हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर. चलिए आगे चलते हैं विद आवर सेशन. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, दैट इज इकाइनोडर्मेटा. एंड इफ यू विल सी इन दिस वीडियो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेटा. कौन है ये, हु इज दिस, दैट इज स्टारफिश, राइट. सो बात करते हैं इन्हीं स्टारफिशेस के बारे में. द फर्स्ट एंड द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज दैट दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स. आप इसके वर्ड पर जाइए बच्चे, इकाइनो वर्ड, इट हैज कम फ्रॉम इकाइनस. इकाइनस का क्या मतलब होता है, स्पाइन्स, कांटे. डर्मा वर्ड क्या होता है, स्किन,
स्किन स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं. सो इकाइनो वर्ड मीन्स स्पाइन, डर्मा वर्ड इज फॉर स्किन. दैट मीन्स द मेजर प्रॉपर्टी, द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम इज दैट देयर स्किन इज गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ स्पाइन्स. लुक एट दिस स्टारफिश. स्टारफिश में देखिए जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, मैंने इनको रेड कर दिया है. वॉट आर दीज? दीज आर एक्चुअली स्पाइन्स. ये क्या है बच्चा लोग? स्पाइन्स हैं. तो सारे जितने भी एकाइनोडर्मेटा हैं, सबकी स्किन पे ऐसे छोटे 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 स्पाइन्स दिखेंगे. ये देखिए, दिख रहा है सबको स्पाइन्स? मैं इसको ब्लैक कलर से दिखाती हूँ. दीज आर द स्पाइन्स ऑन द स्किन. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज एकाइनोडर्मेटा. सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही आ गया है फॉर नीट एग्जामिनेशन कि इनमें से कौन से स्पाइनी स्किन है. जो एग्जाम्पल एकाइनोडर्मेटा की होगी दैट विल बी द स्पाइनी स्किन एनिमल्स. सेकेंड, ये स्पाइन्स किसके बने हुए हैं? दे हैव एन एंडोस्केलेटन. बच्चों वी ऑल्सो हैव एन एंडोस्केलेटन. हमारा एंडोस्केलेटन किससे बना होता है? बोन्स प्लस कार्टिलेज. नाउ देयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पाइन्स. और वो स्पाइन्स किसके बने हुए हैं? कैल्शियम. एंड दीज आर एम्बेडेड इन देयर स्किन. आप ध्यान से देखिए इनकी डायग्राम में, दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर स्किन. कैन यू सी दिस? एवरी वन कैन सी कि स्किन में से स्पाइन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्किन की लेयर है, इसमें से ऐसे स्पाइन्स निकल कर आ रहे हैं. राइट? सो स्पाइनी स्किन एनिमल्स स्किन के अंदर एम्बेडेड है कैल्शियम के बने हुए दीज स्पाइन्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी. Then if I talk about their habitat, they are exclusively marine, guys, exclusively marine. कोई भी इसमें से exception नहीं है. Fresh water कोई भी organism नहीं होता है. कल हमने mollusk किया था. Mollusk में we studied कि उसमें fresh water भी है, marine water भी है. But in case of Echinodermata, my dear children, they are exclusively marine. Again, this is an important point for NEET examination. यहीं से question आता है. देखो general जो features हैं, general features like the digestive system, circulatory system, उसमें से कई बार इतने questions नहीं आते. Questions आते हैं characteristic feature, unique features, ऐसे feature जो सिर्फ इसी phylum में मिलते हैं, ऐसे feature जो special है. तो सबसे पहला special feature क्या था? कि इनकी skin पे क्या होंगे? Spines होंगे. Second special feature क्या है? That they are exclusive marine. Right, Sheik, I will change my pen color. Of course, we will make it blue now. Blue is a color of GoPrep, है ना? Blue is a color of Team India. So, we at GoPrep, हमारी जो team है, that is GoPrep team. तो हम भी इसका color कौन सा choose कर लेते हैं? Blue choose कर लेते हैं. Right, Poonam? चलिए, let me show you that color. Let us try the color of Team GoPrep. Okay, now tell me guys, अब बताइए. Sure, Lily. I changed. Now we have moved to the color of GoPrep. ये देखिए GoPrep भी किससे लिखा हुआ है? Blue pen से. So now we will use blue. Now is it fine? चलिए. Okay. Right. Prashant, Lily, Harishankar. मस्त है, बिल्कुल बिल्कुल मस्त हमारी आज की क्लास होने वाली है. सो पहला फीचर हमने क्या पढ़ा? स्पाइनी स्किन एनिमल्स. दूसरा फीचर हमने क्या पढ़ा? एक्सक्लूसिवली मरीन. स्पेसिफिकली अगर मरीन है तो कहां पर मिलते हैं हमें? बॉटम ड्वेलर्स. दैट मीन्स सी के बॉटम के साथ मिलेंगे हमें. यूजुअली दे डू नॉट स्विम ऑन द सर्फेस, दे यूजुअली स्विम अंडरनीथ, बॉटम के साथ, सबस्ट्रैटम के नजदीक. जुड़े नहीं होते हैं सबस्ट्रैटम से, उससे नजदीक रहेंगे. प्लस ऑल द इकाइनोडर्म्स दे आर फ्री लिविंग. फ्री लिविंग का मतलब है दे आर नॉट पैरासिटिक. ये किसी भी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है. आप भी तो चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बने, तो सेम वे दीज आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट. दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द होस्ट, दे आर कंप्लीटली फ्री लिविंग. कैन यू सी दिस वीडियो? इस वीडियो में मैंने कौन सा इकाइनोडर्म दिखाया है? दैट इज ब्रिटल स्टार, है ना? दिख रहा है सबको? सो दिस इज ब्रिटल स्टार. Look at the way they are having arms. आप सब इकाइनोडर्म का एक और जनरल फीचर देखेंगे, that they all have arms. Starfish की भी arms थी, इसकी भी क्या प्रेजेंट है? arms है. ये देखिए इसकी भी यहाँ पर arms है. Look at the way it is moving, attached to the bottom, near the bottom. Bottom के नजदीक नजदीक swim करते हैं. Right? आगे चलते हैं टू सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में देखिए, दिस इज अगेन स्टार फिश, दिस इज सी क्यूकम्बर. सी क्यूकम्बर शेप देखिए आप, यहाँ पे जो इकाइनोडर्म है उसकी कैसी शेप है? स्टार शेप. ये भी जो इकाइनोडर्म है, दिस इज ऑल्सो
स्टार शेप्ड है ना, स्टार शेप्ड अप्रोक्सीमेटली इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट से बहुत सारी आर्म्स निकल रही हैं. देन वी हैव सम सिलेंड्रिकल फॉर्म्स आल्सो, सो दे हैव वेरिएबल शेप. लुक एट द वे इट इज मूविंग, कैसे अपनी आर्म्स को यूज करके मूव कर रहा है. और इस वाले वीडियो में क्या क्लियर हो रहा है, दैट दे यूजुअली लाई नियर द बॉटम, नीचे बॉटम के साथ. ये देखो बहुत आलसी ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा मूव नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हमेशा बॉटम चाहिए, सरफेस चाहिए, अपने चलने के लिए भी सरफेस चाहिए. सो दे आर जस्ट लाइक यू पीपल, जैसे आप लेजी हैं. लेजी हैं नहीं है, कम ऑन टेल मी गाइज, आर यू लेजी? यस, लेथार्जिक, बिल्कुल निकिता. राज ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया दैट ही इज क्वाइट लेजी. सम पीपल आर एडमेंट कि नो वी आर नॉट दैट लेजी, वी आर वेरी मच एक्टिव. हम पूरा दिन, हमें नींद नहीं आती है, हम इधर उधर बहुत एक्टिवली मूव करते हैं. चलिए, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स मेजोरिटी क्या कहती है कि हम एक्टिव हैं, हम लेजी नहीं है. लेकिन ये जो इकाइनोडर्म्स है बच्चे, दे आर क्वाइट लेजी, बॉटम के साथ नजदीक रहेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे, है ना. कमिंग टू सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विच यू आर ऑलरेडी अवेयर, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है फर्स्ट वन, दैट इज सिमेट्री. नाउ द एडल्ट इकाइनोडर्म्स दे हैव प्रिमिटिव सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, जबकि जो इनका लार्वा है, लार्वा हैज गॉट स्टूडेंट बायलेटरल सिमेट्री. तो यहां से क्या प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ, लार्वा इज मोर एडवांस्ड, लार्वा इज मोर एडवांस्ड देन एडल्ट्स. ये भी इंपॉर्टेंट फीचर आ गया, यूनिक फीचर आ गया. फर्स्ट दिन, सबसे पहले दिन हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, तब मैंने आपको बताया था जनरली बायलेटरल सिमेट्री सब कॉम्प्लेक्स में होती है, एक्सेप्शन क्या था, इकाइनोडर्म. तो यही एक्सेप्शन है. लार्वा की जो सिमेट्री है वो क्या रहेगी, बायलेटरल. लेकिन जो एडल्ट है वो क्या होगा, उसके पास पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. मैं यहां पर लिख रही हूं पेंटामेरस. पेंटा का क्या मतलब होता है, फाइव. कैन यू सी द फाइव आर्म्स, ये देखिए, वन आर्म, सेकेंड आर्म, थर्ड आर्म, फोर्थ आर्म, फिफ्थ आर्म. सो दिस काइंड ऑफ सिमेट्री. और रेडियल सिमेट्री में आप किसी भी आर्म से कट करो, यहां से कर लीजिए, यहां से कर लीजिए, यहां से कर लीजिए, यू विल बी एबल टू गेट द इक्वल पार्ट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम. जर्म लेयर्स मैक्सिमम होंगी ट्रिप्लो, एक्टो, मेसो, एंडो तीनों होंगी. देन वी हैव सिलोम, दे हैव ट्रू सिलोम, ऑल्सो कॉल्ड एज यू सिलोम. सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन क्या है, एब्सेंट. आई हैव टोल्ड यू सेगमेंटेशन सिर्फ तीन में ही होती है, किसमें, एनेलिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स. बिल्कुल अर्शिया, आदिल, कुछ बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा लेट आए हैं. Yes, we are going to have M square session. M square means mini mentee session. थोड़ा सा पढ़ाई करके, non chordates को finish करके, we are definitely going to have our regular M square. Right? तो pentameres radial symmetry would be present in those who have got five arms. अगर arms बढ़ जाएंगी, जरूरी नहीं है starfish में भी five हो, number में increase, arms ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन symmetry कौन सी रहेगी students, radial रहेगी. One thing, level of organization clear, organ system, triploblastic, true cilome and segmentation is going to be absent. देन आते हैं इनकी बॉडी फॉर्म पे. ये आपको समझ आ गया पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. नाउ बॉडी कैन हैव वेरिएबल शेप, स्टार शेप बॉडी हो सकती है. एग्जाम्पल इज स्टारफिश, दिस इज स्टारफिश, स्टार शेप बॉडी दिख रही है. ग्लोबुलर बॉडी भी हो सकती है, एग्जाम्पल इज सी अर्चिन. लुक एट दिस सी अर्चिन, ऐसे राउंड सा है जिसके ऊपर ऐसे स्पाइन्स प्रेजेंट है ना. ग्लोबुलर मीन्स राउंड बॉडी. देन दे कैन हैव सिलेंड्रिकल बॉडी ऑल्सो. लुक एट दिस सिलेंडर, That will be our sea cucumber. तो बहुत सारी वेरिएबल शेप्स हैं, स्टार शेप भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, है ना. स्टार बना दिया, सिलेंडर बना दिया, ग्लोब्यूल बना दिया. सो बहुत ही वेरिएबल फाइलम है, बहुत ही ब्यूटिफुल फाइलम है. When you will see these organisms in real time, अगर किसी बच्चे ने स्कूबा डाइविंग ट्राई की है, then in scuba diving you can see all these species underneath the sea water clearly, and they're so colorful, you will find them so beautiful, right? चलिए, अब ये जो स्पाइन्स हैं, इन स्पाइन्स को क्या करना होता है, सरफेस को क्या करना होता है, क्लीन रखना होता है. तो स्पाइन्स के बीच में देयर आर सम पिंसर लाइक स्ट्रक्चर. कैन यू सी दिस पिंसर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पिंसर लाइक स्ट्रक्चर. ये यहां पर आ रहे हैं, दिस इज पिंसर, दिस इज पिंसर,
पिंसर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे प्रेजेंट है। इनका काम क्या होगा बच्चे? टू कीप द सर्फेस क्लीन। ये इस तरीके से मूव करेंगे एंड दे विल कीप द होल सर्फेस क्लीन फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ डर्ट। सो पूछा जा सकता है कि कौन सा चीज है, कौन सा स्ट्रक्चर है विच कीप्स द सर्फेस ऑफ इकाइनोडर्म्स क्लीन, दैट इज गोइंग टू बी पेडिसिलेरिए। नाम याद रखना है, पेडिसिलेरिए। देन कमिंग टू देयर सिस्टम्स, सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा अलोंग द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। डॉर्सल साइड कौन सी बताई थी बच्चे? जो हवा की तरफ होती है पीछे, बैक साइड हमारी कौन सी होती है? डॉर्सल। आगे वाली साइड कौन सी होती है बच्चे? वेंट्रल होती है। तो अगर मैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, ये है आपकी स्टारफिश, हवा वाली साइड कौन सी हो जाएगी? डॉर्सल। नीचे फेस करने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? वेंट्रल। सो इन देयर डॉर्सल साइड क्या प्रेजेंट है बच्चे? एनस। एंड इन देयर वेंट्रल साइड व्हाट इज प्रेजेंट? दे हैव गॉट माउथ। याद रखना है नीचे की साइड पर क्या प्रेजेंट है? माउथ, दैट इज कॉल्ड एज ओरल सर्फेस। क्या बोलेंगे इसको? ओरल सर्फेस। और ऊपर की साइड पे जो हवा को फेस कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल साइड। यहां पे किसकी ओपनिंग प्रेजेंट होंगी? एनस की। एंड दिस इज कॉल्ड एज एबोरल सर्फेस। सो द सर्फेस विच हैज गॉट माउथ, that will be called as oral. जिसके पास anus होगा उसको हम क्या बोल देंगे? Aporal surface. Look at the way it has captured the fish. Starfish has captured a simple fish for the eating purpose. So this is how anus is located. Anus कहां पर मिलेगा हमें? Dorsal side पर। Dorsal कौन सी side है? ऊपर वाली। और mouth कहां पर मिलेगा हमें? नीचे side पर, that is the ventral side, also called as oral side. यस अनुभव, कुछ कुछ चीजें मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी करवा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। दे हैव आस्क्ड फ्यू पॉइंट्स, सो हमें अपनी तैयारी इस तरीके से रखनी है कि एनसीईआरटी तो करें ही करें, बट अलॉन्ग विद दैट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एग्जामिनर पूछ सकता है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। श्योर यशवीर, वंस वी विल कंप्लीट वी विल डेफिनेटली ऑर्गेनाइज अ मेगा मेंटी, बट टूडे वी हैव एम स्क्वेयर, दैट इज आवर फेवरेट मिनी मेंटी। आप सबका फेवरेट है ना मिनी मेंटी? येस और नो? टेल मी गाइज, यू लाइक आवर एम स्क्वेयर सेशंस, मिनी मेंटी सेशन? सो अगर आपको सच्ची में ये सेशन पसंद आते हैं, इफ यू रियली इंजॉय देम, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो सबका बनता है ना? इतना तो आप कर सकते हैं टू शो योर लव। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू सम अदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्क्युलेटरी सिस्टम। कौन से सिस्टम पे आ गए हैं? सर्क्युलेटरी सिस्टम। नाउ सर्क्युलेटरी सिस्टम इज बेसिकली ऑफ सिलोमिक ओरिजिन। सिलोम समझते हैं, कैविटी को बोलते हैं हम सिलोम। दैट कैविटी इज एक्चुअली फिल्ड विद द फ्लूइड। इनके पास ब्लड है, ब्लड फ्लोज ओपनली इन द स्पेसेस, कैविटी में फ्लो कर रहा है विदाउट एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कोई हेमोग्लोबिन, कोई हेमोसाइनिन, नथिंग इज प्रेजेंट। प्लस दे डू नॉट हैव एनी हार्ट ऑल्सो। सो इनका जो सिस्टम है दैट इज हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम। क्यों बोला इसको ये नाम? बिकॉज सिलोम के अंदर, कैविटी के अंदर द फ्लूइड इज मूविंग, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम अब तक और किसमें देखा है आपने? एनेलिड में कौन सा था स्टूडेंट्स? एनेलिड वॉज द फर्स्ट फाइलम टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद कौन सा आया था? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा था? ओपन। देन कौन सा आया था? मोलस्का। मोलस्का में भी कौन सा था? ओपन। एंड देन आज हम कौन सा कर रहे हैं? इकाइनो। इकाइनो में भी कौन सा रहेगा बच्चे? ओपन। सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट सबके माइंड में होने चाहिए। मैं पूछ सकती हूँ, इट मे कम इन एम स्क्वेयर ऑल्सो। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें बच्चे, देन दे डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, माउथ है, एनस है, सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम है। बट इफ आई टॉक अबाउट देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इनके पास किडनी लाइक कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर पाए। तो होता क्या है, सिंपली वेस्ट विल डिफ्यूज फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द सिलोमिक फ्लूइड। सिलोम में आ जाएगा, देखो जो भी टिश्यू फ्लूइड नाइट्रोजनस वेस्ट बना रहा है, दैट विल कम इन द कैविटी। ये कैविटी क्या है? आपकी सिलोम है। और ये देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाइलोरिक स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियक स्टमक बच्चे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। साथ ही में इनके पास सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। लुक एट दीज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यू नीड नॉट टू लर्न द डायग्राम, ऐसे आपको डिटेल डायग्राम आएगा नहीं स्टारफिश का। मैंने सिंपली इसीलिए दिखाया है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाउ अंडरनीथ दैट स्टार्स ऑल द थिंग्स आर ऑक्यूपाइड।
बिल्कुल ठीक शेख, आई एम कमिंग टू दैट सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। सो दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास माउथ है, एनस है, ग्लैंड्स है, स्टमक है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। बट इफ आई टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज ऑफ ओपन टाइप्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज ऑफ ओपन टाइप्स। होगा क्या, सिलोम में अ फ्लूइड विल रन। फ्लूइड, उस फ्लूइड को आप क्या बोल सकते हो, ब्लड बोल सकते हो। नाउ दिस ब्लड डज नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई ऐसा पिगमेंट प्रोटीन नहीं होगा जो ऑक्सीजन को हेल्प करेगा मूव कराने में। बिकॉज ऑक्सीजन को मूव कराने के लिए मुझे पिगमेंट नहीं चाहिए। इनके पास एक और स्पेशल तरीका है जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन को भी मूव कराते हैं, फूड को भी मूव कराते हैं। दैट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉल्ड एज वॉटर वास्कुलर सिस्टम। वी विल कम टू दैट इंपॉर्टेंट सिस्टम स्टूडेंट्स, वी विल डेफिनेटली कम टू दैट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। आ गया आपका करेक्टरिस्टिक फीचर जिसकी हम वेट कर रहे थे। सो द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनो इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। अब इस सिस्टम में है क्या बच्चे, ये है आपका स्टारफिश, है ना, दिख रहा है सबको स्टारफिश। तो होता क्या है, इसके नीचे छोटे छोटे ट्यूब फिट लगे होते हैं जिसकी हेल्प से स्टारफिश क्या करता है, मूव करता है। आई विल शो यू, आगे वाली स्लाइड में मैं आपको रियल टाइम स्टारफिश दिखाऊंगी मूव करती हुई। होगा क्या बच्चे, पानी अंदर जा रहा है, उस पानी के अंदर जाने के साथ साथ देयर इज मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। पानी गया तो ऑक्सीजन भी गया, पानी अंदर गया तो फूड मटेरियल भी गया। सो दैट वाटर विल एंटर इन साइड, एंड इन साइड दैट वाटर विल मूव थ्रू लॉट्स ऑफ केनॉल्स, बहुत सारे केनॉल के थ्रू मूव करेगा। लुक एट दिस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, यहां से वॉटर की क्या हुई, एंट्री हुई। यहाँ के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं, है ना, रेड कलर वुड बी मोर कंफर्टेबल। फ्रॉम मैड्रीपोराइट बच्चे, फ्रॉम मैड्रीपोराइट इट इज अ काइंड ऑफ छन्नी, सीव प्लेट, जैसे दूध छानते हैं छाननी होती है हमारे पास, सेम वे वी हैव गॉट मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट के थ्रू द वॉटर इज गोइंग टू एंटर, एंट्री हुई मैड्रीपोराइट के थ्रू। फिर वॉटर कहां पर जाएगा, दिस केनॉल दैट इज कॉल्ड एज स्टोन केनॉल। कहां गया, स्टोन केनॉल। स्टोन केनॉल के बाद वॉटर गया इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कॉल्ड एज रिंग केनॉल। बहुत सारे केनॉल है बच्चे, वॉटर इसमें घूमता रहता है। पहले आया छानकर, कहां से, मैड्रीपोराइट, कहां गया, स्टोन केनॉल। देन कहां पर आएगा, रिंग केनॉल। रिंग केनॉल के बाद कहां पर जाता है बच्चे, दीज केनॉल। लुक एट दीज केनॉल, दीज आर कॉल्ड एज रेडियल केनॉल। क्या नाम रख देंगे इसको, रेडियल केनॉल। और रेडियल केनॉल के बाद जाएगा इस केनॉल में, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, विच इज कॉल्ड एज लैटरल केनॉल। एंड लैटरल केनॉल दे विल एंड इन दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्यूब फीट। तो मैं यहां पर बना रही हूं, ध्यान देंगे सब बच्चे। सबसे पहले मैड्रीपोराइट से आया वॉटर, कहां पर गया, स्टोन केनॉल। इसको क्या लिख देते हैं, स्टोन केनॉल। स्टोन केनॉल के बाद गया इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, क्या नाम दे दोगे आप इसको, रिंग केनॉल। रिंग के बाद गया इस स्ट्रक्चर में, इस केनॉल में, है ना, इनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रेडियल केनॉल। क्या बोल देंगे, रेडियल। और रेडियल से कहां जाएगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इनको क्या बोल देंगे, लैटरल केनॉल। सो ये जो आपको फ्लो है वॉटर का कि कहां से कहां जा रहा है, मैड्रीपोराइट से गया स्टोन, स्टोन से कहां पर गया रिंग, इसके बीच में रिंग भी आएगा, रिंग से कहां पर गया रेडियल, रेडियल से कहां पर गया लैटरल, और लैटरल से लास्ट में कहां पर आ गया बच्चे, दीज ट्यूब फीट। एंड इफ यू विल नोटिस देयर आर टू रोज ऑफ ट्यूब फीट दिख रही है, एक रो लेफ्ट साइड पे है और एक रो क्या है, राइट साइड पे है। दिस इज द होल अरेंजमेंट ऑफ द वॉटर वास्कुलर सिस्टम। श्योर श्योर एवरी वन, आई ट्राई टू यूज बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, ताकि सबको समझ आए। इज दिस क्लियर, वॉटर वास्कुलर सिस्टम क्लियर एवरी वन? आयुब आपने तो आते ही, यू हैव गिवन मी ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, ऑफकोर्स दैट इज राइट, बिल्कुल ठीक है। बताइए बच्चे, द फ्लो ऑफ वॉटर इन दिस, इज इट क्लियर टू एवरी वन? लिली, लक्ष्मी, नितिका, कम ऑन गाइस, टेल मी, राज, एवरीवन, किसी से भी अगर मैं पूछ लूं, पानी कहां से एंटर हो रहा है, फ्रॉम वेयर इज इट एंटरिंग, फ्रॉम वेयर इज इट एग्जिटिंग,
कहां से एंट्री ले रहा है? टेल मी, कहां से एंट्री ले रहा है? यस, कहां से एंट्री ले रहा है गाइस? एंट्री, यासिर क्लियर है? टेल मी फ्रॉम वेयर वाटर इज एंटरिंग. दिव्या आंसर, निशा ने आंसर दे दिया है. एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, इट इज मैड्रिपोराइट. फ्रॉम मैड्रिपोराइट इट इज एंटरिंग एंड इट इज एग्जिटिंग. कहां से एग्जिट ले रहा है? द लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब फीट. पे अटेंशन, दिस इज द लास्ट पार्ट दैट इज ट्यूब फीट. अब अगर इस एक ट्यूब फीट को ध्यान से देखें, देन द अपर पोर्शन इट इज कॉल्ड एज एम्पुला, लोअर पोर्शन बच्चे इट इज कॉल्ड एज पोडियम, और यहां पर इसके क्या प्रेजेंट होता है? सकर. सो इस तरीके से अगर स्टार फिश है, नीचे की साइड पर क्या प्रेजेंट होंगे? एम्पुला. एंड दीज एम्पुला और द ट्यूब फीट, दे विल हेल्प इन सक्शन. सक्शन क्रिएट करेंगे. जैसे वैक्यूम नहीं होता, जैसे ही पानी निकलेगा दे विल अटैच टू द बॉटम, फिर भरा ऊपर, फिर अटैच टू द बॉटम, फिर भरा ऊपर. इस तरीके से धीरे धीरे दीज लेथार्जिक एनिमल्स दे मैनेज टू मूव, ऐसे मूव कर पाते हैं. फिर से याद करते हैं, ये क्या था? मैड्रिपोराइट. ओके, कलर चेंज, वी हैव टू मूव टू द कलर ऑफ गोप्रेप, दैट इज ब्लू. मूविंग ऑन टू मैड्रिपोराइट, देन स्टोन केनॉल, देन वी हैव रिंग केनॉल. रिंग केनॉल के बाद क्या आया था? रेडियल केनॉल. एंड फ्रॉम रेडियल केनॉल, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कौन सा केनॉल? लेटरल केनॉल. एंड एवरी लेटरल केनॉल हैज गॉट ट्यूब फीट. ट्यूब फीट का अपर पोर्शन एम्पुला, देन वी हैव पोडियम. एंड पोडियम के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? सकर, विच विल क्रिएट वैक्यूम. स्टूडेंट्स याद रहेगा वैक्यूम? सो ट्यूब फिट की हेल्प से चिपकेंगे बॉटम से, फिर उड़ जाएंगे. देन दे विल स्टिक टू द बॉटम, देन दे विल मूव. सो इफ आई टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ वॉटर वास्कुलर सिस्टम, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीड पॉइंट ऑफ व्यू, वन इज लोकोमोशन. मैंने आपको बता दिया, लुक एट द वे इट इज लोकोमोटिंग. सब बच्चे वीडियो पे ध्यान देंगे. Everyone pay attention ki how it is using. Ye dekhiye, how is it using its tube feet for the movement? Can you see everyone ki how it is using tube feet? Suction create ho raha hai sucker ki help se. Suction ki help se they are moving. Bari bari suction aata hai to chipak jate hain, fir uth jate hain, fir chipakte hain, fir uth jate hain. This is the real time video, real video of starfish. है ना, सबको मजा आया देख के वीडियो? राइट. और ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, दीज आर एक्चुअली द ट्यूब फीट. ये क्या है? आपके ट्यूब फीट हैं. नीचे जिसके सकर लगा हुआ है, सकर की हेल्प से दे विल अटैच, सक्शन विल बी क्रिएटेड, देन दे विल मूव अप, देन अटैच, सक्शन विल बी क्रिएटेड, देन दे विल मूव अप. बिल्कुल, एक हाई फाइव तो बनता है जिसको वीडियो देख के मजा आया. One high five from everyone who liked this video, who are getting ki how starfish is actually moving. Dolly, excretion will happen through the coelomic fluid. Body tissues jitna bhi material banayenge, that will come in the fluid. No special system is present. Right, I can see lots of high fives. Very nice bachche, very nice. चलिए आगे चलते हैं. ओके, सो आई टोल्ड यू कि वी आर लॉन्चिंग सम मिनी कोर्सेस, सम वन वीक कोर्सेज विच आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 22nd ऑफ जून. एंड यू कैन अवेल दिस कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू विल अपियर इन जीटीएससी एग्जामिनेशन, दैट इज गो प्रिप टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. तो क्या क्या है इस बारे मिनी कोर्स में आपके पास? यू कैन बिकम मास्टर ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री विद नवीन सर. देन इन केस ऑफ फिजिक्स, If you want to learn about the concepts of vector, तो ये भी आप सीख सकते हैं. और जो बच्चे GTSC देंगे, for them it is going to be completely free. Look at this, money back guarantee. कैसे होगा? By appearing in the GTSC. कब है ये GTSC? On Saturday and Sunday, 20th and 21st of June. Moving ahead to our, चलिए आगे चलते हैं. Another some properties of echinodermata.
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फटाफट बात करते हैं, दे आर यूजुअली डायोशियस। डायोशियस का क्या मतलब होता है? मेल एंड फीमेल सेक्सेस, दीज आर सेपरेट एंड द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, दैट मीन्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स वुड बी इन्वॉल्व। फर्टिलाइजेशन, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट दे विल रिलीज देयर गैमेट्स इनटू द वाटर बॉडी। तो जो फर्टिलाइजेशन है दैट विल टेक प्लेस इन सी वॉटर। तो पानी के अंदर क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड द डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स दिस इज इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट विल टेक प्लेस थ्रू अ लार्वा। बहुत सारे तरीके के लार्वा हो सकते हैं, बाइपिनेरिया, ब्रेक्योलेरिया, डॉलियोलेरिया, डाइप्लूरेलुरा। तो ये सब सारे क्या है? लार्वा। अटेंशन किस चीज पे देनी है? टू देयर सिमेट्री। लुक एट द सिमेट्री ऑफ लार्वा। कौन सी सिमेट्री है? एडवांस्ड। एडवांस्ड कौन सी है? बायलैटरल सिमेट्री। So, larva is more advanced as compared to adult. Adult के पास कौन सी थी? Radial. Larva के पास कौन सी है बच्चे? Bilateral symmetry. Clear? Then coming on to some important points of the starfish, important points of this phylum. In this phylum, there is a special class which is called as Asteroidea. Asteroidea word कहाँ से आया है? Aster. Aster का क्या मतलब होता है? Star. तो ये जो Asteroidea क्लास है, इन दैट ऑर्गेनिज्म इट इज स्टार लाइक, जिसके पास आर्म्स होंगे। एग्जाम्पल क्या रहेगी हमारी? स्टारफिश। स्टारफिश बिलोंग्स टू Asteroidea। अब स्टारफिश बहुत स्मार्ट है, नो डाउट दे आर लिथार्जिक। लेजी तो बहुत है लेकिन स्मार्ट भी बहुत है। They can show autotomy, that means they can voluntarily break off their arm. अपनी आर्म वो खुद से तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये स्टारफिश है, लुक एट दिस, फाइव आर्म्स है स्टारफिश के, दिस इज स्टारफिश। अगर कोई एनिमी आया, इफ द एनिमी हैज गॉट होल्ड ऑफ वन आर्म, तो ये क्या करेंगे अपने आप को बचाने के लिए? दे विल ब्रेक दिस आर्म। ये आर्म क्या होगी? टूट जाएगी एंड इट विल कीप इन द एनिमीज माउथ, और बाकी की बॉडी लेके क्या करेंगे? दे विल मूव अहेड। फटाफट से लेथार्जी छोड़कर दे विल स्टार्ट बिकमिंग एक्टिव एंड दे विल सेव देमसेल्फ फ्रॉम दैट एनिमी। तो स्टारफिश और Asteroidea क्लास, इट कैन ब्रेक ऑफ देयर आर्म। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑटोटॉमी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, टॉमी का मतलब होता है सर्जरी रिलेटेड टू रिमूवल। रिमूवल हो रहा है, किसका रिमूवल हो रहा है? आर्म्स का। कैसे हो रहा है? खुद से हो रहा है। अब अगर ये आर्म वो छोड़कर आ गए तो क्या बाकी की बॉडी में चार आर्म्स ही रह जाएंगी? नो, दे कैन शो रीजेनरेशन ऑल्सो। ये क्या शो करते हैं स्टूडेंट्स? रीजेनरेशन। सो अगर एक आर्म ये तोड़ देते हैं तो रेस्ट ऑफ द बॉडी कैन ग्रो देयर ओन आर्म, नई आर्म दोबारा बना सकते हैं, कॉल्ड एज रीजेनरेशन। क्लियर हुआ सबको? यस। फर्स्ट दे कैन रिमूव देयर आर्म, उस रिमूवल को हम क्या बोलेंगे? ऑटोटॉमी। एंड देन दे कैन रीग्रो देयर आर्म, दैट रीग्रोथ इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन। हाय बिलाल, यू गॉट लेट, हमने इतना सारा पढ़ लिया, आज के एम स्क्वायर में इसमें से क्वेश्चन भी आने हैं। यस, आर्म से स्टारफिश बन जाएगी, वो ऑलरेडी स्टारफिश है बच्चे। नहीं बच्चे, वो तो हम एनिमी के पास छोड़ आए हैं, ओनली द रिमेनिंग बॉडी कैन ग्रो देयर आर्म, राइट। चलिए आगे चलते हैं। Another important point that is related to Echinus. Echinus में there is a biting and chewing apparatus. Bite करने के लिए इनके पास mouth में there is a chewing apparatus that has got teeth. Chewing apparatus के पास क्या है? Teeth. Now look at these teeth. Can you see? These are teeth. Now these teeth they appear like a lantern. Lantern की तरह, lantern समझते हैं? वो लैंप को बोला जाता है लैंट्रन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट दैट वाज एरिस्टोटल। सो इस तरीके से टीथ काम करते हैं। लुक एट दिस वीडियो कि हाउ दोज टीथ दे आर कमिंग, दे आर ग्रास्पिंग द ऑब्जेक्ट एंड देन दे विल बाइट दैट, उसको ग्राइंड करेंगे, उसके पीसेस करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज एरिस्टोटल लैंट्रन। सारे इकाइनोडर्म्स के पास किस नहीं होता है? किसके पास होता है बच्चे? इकाइनस के पास। किसके पास? इकाइनस। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चले। One is starfish. Starfish के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? टू ब्रेक देयर आर्म, दैट इज ऑटोटॉमी फॉलोड बाई रीजनरेशन। नेक्स्ट वन इज इकाइनस। इकाइनस के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट अ स्पेशल टाइप ऑफ च्यूइंग अपरेटस दैट इज कॉल्ड एज एरिस्टोटल लैंट्रन। क्लियर?
क्लियर? कैन यू सी दिस वीडियो? सबको मजा आ रहा है वीडियो देखकर? राइट, चलिए आगे चलते हैं. मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया. दिस इज स्टार फिश, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टेरियाज, ये इनके साइंटिफिक नेम है. देन वी हैव ब्रिटल स्टार कॉल्ड एज ओफ्यूरा. फिर हमारे पास है सी अर्चिन, दैट इज कॉल्ड एज इकाइनस. इकाइनस के पास ही क्या प्रेजेंट था? एरिस्टोटल लैंट्रन, बाइटिंग एंड चूइंग अपरेटस, एरिस्टोटल लैंट्रन. देन वी हैव होलोथ्यूरिया सी क्यूकम्बर. लुक एट दिस सी क्यूकम्बर, खीरे की तरह है. क्यूकम्बर मतलब खीरा, सिलेंड्रिकल होता है खीरा भी. सो दिस इज होलोथ्यूरिया कॉल्ड एज सी क्यूकम्बर. एंड देन वी हैव गॉट फेदर स्टार कॉल्ड as Antidon. So yahan se you can guess the shapes also. They can have star shape, they can have cylindrical shape, they can have globular shape as well. Ye dekhiye, bilkul round shape hai, globular shape. And each one is having spines. Look at sea cucumber. Kitne beautiful spines hai ye, hai na? Kiske bane hote hain? कैलकेरियस, कैल्शियम के बने हुए हैं. कैलकेरियस ऑसिकल्स कमिंग आउट ऑफ स्किन, इस तरीके से स्किन से बाहर आ रहे हैं. दिस इज देयर एक्चुअली एंडोस्केलेटन. यू लाइक द सेकेंड वन? एवरीवन लाइक्स द स्टारफिश, है ना? बिल्कुल. द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटिफुल एंड दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड इज लिविंग इन साइड सी. तो उसके लिए हमें सी के अंदर जाकर डाइविंग करनी पड़ेगी. ओनली देन वी कैन सी ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स. वाई? बिकॉज दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन. आपको किसी रिवर में, लेक में ये सब नहीं मिलेंगे. कहाँ पर मिलेंगे? ओनली मरीन वाटर. मूविंग ऑन टू वेरी स्मॉल फाइलम, लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स पे आ गए. नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट फाइलम दैट इज हेमीकॉर्डेटा. हेमीकॉर्डेटा पे आते हैं, उसके बाद वी विल हैव एम स्क्वायर सेशन डेफिनेटली. सो हेमीकॉर्डेटा में कैसे एनिमल्स होंगे? दीज आर वर्म लाइक एनिमल्स. ये देखिए, इस तरीके से सिलेंड्रिकल बॉडी होगी. वर्म लाइक एनिमल्स, यू कैन सी दिस इन द डायग्राम ओनली, है ना? दिख रहा है सबको वर्म लाइक एनिमल्स. दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन. बिल्कुल किसके तरह? इकाइनों की तरह. ये भी क्या है? बिल्कुल मरीन वाटर, सी वाटर में ही रहेंगे. यू विल नॉट फाइंड देम इन फ्रेश वाटर, इन रिवर्स एंड इन लेक्स. देन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे आर ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल. ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि देखिए ये लास्ट फाइलम है हमारा नॉन कॉर्डेट्स का. ट्रिप्लोब्लास्टिक है और क्या है? ट्रू सिलोम है इनके पास. नाउ डू यू नो इनका नाम हेमीकॉर्डेटा क्यों पड़ा? एक्चुअली में पहले दे वर पार्ट ऑफ कॉर्डेटा. Earlier, they were part of most advanced phylum Chordata. But later on, जब हमने इसके features देखे, they were not matching. All the features were not matching to that of Chordata. इसीलिए अब इसका एक अलग phylum है, that is Hemichordata. इनके पास कुछ features Chordata जैसे हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ Psyllome की, तो Chordata के पास भी Eucilome है, Hemichordata के पास भी क्या है? Eucilome. If I talk about number of germ layers, if I talk about the symmetry, तो ये सारे features किससे match हो रहे हैं? Chordate से मैच हो रहे हैं. एंड सेगमेंटेशन इन दिस केस इट इज ऑल्सो एब्सेंट. लुक एट दिस वर्म लाइक एनिमल्स, है ना? वर्म लाइक, बिलोंगिंग टू हेमीकॉर्डेटा. बॉडी की अगर बात करें, दे हैव अ सिलेंड्रिकल बॉडी. बहुत ही सॉफ्ट वर्म्स हैं. सिलेंड्रिकल बॉडी में सबसे ऊपर पार्ट होगा अ टंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्रोबोसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बोला सारे फाइलम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है उनके यूनिक फीचर. तो इसका यूनिक फीचर क्या है जो किसी और में प्रेजेंट नहीं है? दैट इज प्रोबोसिस. So they have proboscis, which is a kind of excretory structure. Again, important excretory structure. Then in the middle, they have got collar, and in the lateral part, in the posterior part, they have got the trunk region, जहाँ पर हमारे pharynx और gills present है. So तीन parts रहेंगे. अगर ये worm है, तो सबसे आगे वाला part is going to be proboscis, middle वाला part is going to be the collar, and the posterior most part is going to be the trunk region. डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट. दे आर फिल्टर फीडर्स और सिलरी फीडर्स. देखिए बच्चे, फेरिंग्स के थ्रू द फूड मटेरियल इज गोइंग टू एंटर, और अंदर जाकर ये उसको फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया. फिल्टर फीडर्स जस्ट लाइक दैट ऑफ पॉरीफेरेंस. सर्कुलेटरी सिस्टम इनका भी क्या है? ओपन टाइप. रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? गिल्स. क्योंकि क्या है ये? मरीन वाटर में रहते हैं बच्चे. वाटर में रहने वाले मोस्टली किसकी हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं? दैट इज विद गिल्स. एंड एक्सक्रीशन.
क्वेश्चन आएगा तो इसी पर आएगा, एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड, राइट। सो ये जो टिप है, लुक एट दिस टिप, दिस इज द हेमिकॉर्डेट, ये जो टिप है दैट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस। इस प्रोबोसिस के पास वी हैव अ ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस ग्लैंड दैट फंक्शंस इन एक्सक्रीशन, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कमिंग टू देयर रिप्रोडक्शन, दे आर डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये भी क्या शो करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एंड हियर द लार्वा इज टॉर्नेरिया लार्वा। कौन से टाइप का लार्वा रहेगा, टॉर्नेरिया। एकाइनो में कौन सा था, बाइपिनेरिया लार्वा, ब्रेक्योलेरिया लार्वा, यहां पर कौन सा है स्टूडेंट, टॉर्नेरिया। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल्स, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज बलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। नाउ दे आर कॉल्ड एज टंग वर्म्स, ये देखिए इनका जो प्रोबोसिस पार्ट है इट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक दैट ऑफ ट्रंक, दिख रहा है सबको, किसकी तरह लग रहा है, टंग की तरह लग रहा है, दैट इज व्हाई हेमिकॉर्डेट्स आर कॉल्ड एज टंग वर्म। एक और इनका सेकेंड नेम है दैट इज एकॉन वर्म्स। So, क्या नाम हो जाएंगे हेमिकॉर्डेट्स के, कॉल्ड एज टंग वॉर्म, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एकॉन वॉर्म। एक और इंपॉर्टेंट फीचर मैं यहां पर बता रही हूं आपको, हेमिकॉर्डेट हैव अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमोकॉर्ड। जैसे कॉर्डेट्स के पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड, इनके पास क्या होती है बच्चे, स्टोमोकॉर्ड होती है, एंड इट्स ओरिजिन इज गोइंग टू बी एंडोडर्मल, ओरिजिन इज गोइंग टू बी एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इज दिस क्लियर। So with this we are done with our last two phylums of non-chordates. So अगर इसी तरीके से आप सारे syllabus को, physics, chemistry, biology, सारी chemistry को इसी तरीके से with lots of tests, with lots of live sessions, if you want to study, then we have our long-term courses also, जिसमें 2-year program है for class 11th, जिसमें आप पढ़ते हैं। If you have some sibling in class 12th or 12th pass, they can join our 1-year program. बहुत सारे benefits होने वाले हैं, कुछ बेनिफिट्स YouTube की तरह जैसे हम लाइव बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कई बारी आपके डाउट्स मिस हो जाते हैं, आपका चैट ऊपर चला जाता है। सो होता क्या है, इफ यू वांट लाइव 1-to-1 सेशन विद एवरी टीचर एंड इफ यू वांट कि उस तरीके से डाउट सॉल्व हुए, देन यू कैन ज्वाइन आवर फुल टर्म लाइव कोर्सेस। बिल्कुल बिलाल, मैं ही पढ़ा रही हूँ गोप्रेप प्लस कोर्सेज में, प्लस साथ में इन सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में यू कैन गेट लॉट्स ऑफ अदर फैकल्टीज, गुड फैकल्टीज एंड अदर मटेरियल आल्सो। यहाँ पे आपको कोई मटेरियल नहीं मिलता है, ओनली यू गेट द पीडीएफ्स। कई बार आपके डाउट भी मिस हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं। सो इफ यू वॉन्ट 1-to-1 अटेंशन, इन दैट केस दीज कोर्सेज, दीज आर बेस्ट फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर फेवरेट एम स्क्वेयर, एम स्क्वेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो एवरी वन गेट रेडी, ओपन मेंटी, टिल देन लेट मी शो यू द स्क्रीन एंड शो यू माई कोड, मेंटी कोड। गेट रेडी एवरी वन। सो दिस इज बच्चे कोड फॉर टूडे, दैट इज 808176, 808176। हाउ टू ज्वाइन, openmenti.com एवरीवन, अपने फोन के ब्राउजर में जाइए openmenti.com एंड एंटर द कोड दैट इज 808176। कम ऑन कम ऑन एवरीवन, आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया या नहीं बुलाया, बिना फ्रेंड्स के क्विज नहीं होगा। नाउ दिस इज दैट काइंड ऑफ मेंटी इन विच फ्रेंड्स आर मैंडेटरी, स्पेसिफिकली योर बेस्ट फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, सबको ये कोड दे दो स्टूडेंट्स, 808176, 808176। menti.com पे जाना है। जो बच्चे पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्या करना है, ब्राउजर में ओपन menti.com एंड एंटर दिस कोड, फटाफट से ज्वाइन कर लो सब बच्चे। यस इट इज एम स्क्वेयर, मिनी मेंटी। जिष्णु कैसे ज्वाइन करना है, अपने फोन में जाइए, कोड menti.com खोलिए ब्राउजर में, गूगल क्रोम में, एंड वहां पर एड अ कोड दैट इज 808186, दिस इज आवर मेंटी कोड। ओके, ओपन कर लिया सबने। हाउ कैन आई पोस्टपोन, बिलाल यू आर रिक्वेस्टिंग मी कि मैं नीट पोस्टपोन कर दूं।
आई हैव नो वन टू पोस्टपोन दिस नीट. आपके पास ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूज करिए एवरीवन, एंड देयर इज नो नीड टू पोस्टपोन. आप सबकी तैयारी है, बी कॉन्फिडेंट गाइज. एवरीवन जॉइंड, आयुब द कोड इज 8081 76. आप तो आइए, क्या आपके फ्रेंड्स आए हैं नहीं आए हैं, टेल मी. कौन कौन बच्चा अपने फाइव फ्रेंड्स को लेके आया है, मिनिमम फाइव फ्रेंड्स फ्रॉम ईच स्टूडेंट. ओके, कुछ बच्चे दे आर टेलिंग मी द नेम्स ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑल्सो. बाकी बच्चों के कहाँ हैं फ्रेंड्स? नफीसा, यू हैव ब्रॉट योर फ्रेंड्स. राजेंद्र हैव ब्रॉट. हु एल्स हैव ब्रॉट देयर फ्रेंड्स? बिना फ्रेंड्स के तो बात नहीं बनेगी. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन करने चाहिए यहाँ पर. 80, 81, 76. गिव देम दिस कोड, टेल देम टू प्ले दिस क्विज विद यू. यू विल एंजॉय अ लॉट मोर. चलिए, एक्साइटेड है सब लोग. आई कैन सी द एक्साइटमेंट, आई कैन सी द एक्साइटमेंट. लेट अस स्टार्ट विद आवर मेंटी. फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू कम ऑन योर स्क्रीन. गेट रेडी गाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, फास्टर द आंसर, एक्यूरेट द आंसर, मोर द नंबर ऑफ पॉइंट्स. ओके, वॉटर वास्कुलर सिस्टम, इट इज अ फीचर ऑफ डेम्जिया, साइकॉन, यूनियो और एस्टेडियास. करेक्ट आंसर होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ओनली देन मोर नंबर ऑफ मार्क्स. वॉटर वास्कुलर सिस्टम, इट इज अ फीचर ऑफ डेम्जिया, साइकॉन, यूनियो, एस्टेरियास. डू नॉट गिव मी आंसर इन द चैट सेक्शन. रिप्लाई मी ऑन मेंटी. मेंटी पर रिप्लाई करना है. एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 7 seconds. 7 seconds गाइज. ओके, लास्ट 3 seconds. एंड स्टूडेंट्स, द टाइम इज अप. टाइम इज अप गाइज. Yes, maximum of you have given me the correct answer. That is Asterias. Water vascular system aaj hi kara hai. Kiska property hai? Echinoderms ka. Aur in sab pe se echinoderm kaun sa hai? Starfish. Starfish ka hi scientific name kya hai? Asterias. Ye kaun se bachche hain jo Adamsia aur Cycon pe click kar rahe hain? Adamsia kya hai? Coelenterate. Cycon kya hai? Porifera. Unio kya hai? Mollusca. Aur water vascular system, it is the characteristic feature of echino. जिश्नु मिला नहीं आपको, menti.com ओपन करिए क्रोम में, गूगल क्रोम में, एंड एंटर दिस कोड. चलिए, लेट मी सी माई लीडर बोर्ड. हु हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर इन द मिनिमम टाइम. सो यस, फॉर टुडे, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, द टॉपर एंड द फास्टेस्ट वन इज अनोज. देन वी हैव अनीता, अर्णव, निकिता, साहित्य, वेरी नाइस नेम साहित्य. देन आंचल, दिव्य, अंजुम, वैष्णवी. गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे बच्चों के नाम आ रहे हैं स्क्रीन पर. बट आई कैन सी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझे कमेंट्स में रिप्लाई कर रहे हैं, बट देयर नेम इज नॉट ऑन द लीडर बोर्ड. दैट्स ओके. सेकेंड क्वेश्चन कुड बी अ लकी क्वेश्चन फॉर यू. चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गेट रेडी. फास्टर द आंसर, मोर द नंबर ऑफ पॉइंट्स. Which of the following is not a character of phylum Hemichordata? Which of the following is not the character of phylum Hemichordata? Excretory organ, proboscis, open circulatory system, respiration through gills, presence of mesodermal stomochord. Come on, come on. Abhi bataya hai. 5 minutes back. Dekhte hain 5 minutes back wala yaad rehta hai, nahi rehta. 10 seconds left, guys. 10 seconds. Abhi bhi answer nahi aaye hain sare bachon ke. ओके, लास्ट 2 seconds एंड स्टूडेंट्स, द टाइम इज अप. टाइम इज अप. द करेक्ट आंसर गिवन बाय द मेजोरिटी, इट इज डी. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टोमोकॉर्ड तो होती है, बट इट्स ओरिजिन, क्या ओरिजिन होता है? एंडोडर्मल, नॉट मीजोडर्मल. तो ये जो वर्ड है मीजोडर्मल, ये गलत है. सो यहाँ पे आपका आंसर था. ये कौन से बच्चे बोल रहे हैं, बाकी के आंसर क्यों गलत कर रहे हो आप? एक्सक्रीशन इज बाय प्रोबोसिस, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, एंड रेस्पिरेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स. ये तीनों ठीक है. कौन सा गलत है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, विच मेक्स इट द करेक्ट ऑप्शन. ओके निशा, आंसर इज करेक्ट बट अ बिट लेट. कोई बात नहीं, करेक्ट देना ज्यादा जरूरी है. स्पीड धीरे धीरे बनेगी. लेट मी मूव टू माई लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं हमारे टॉपर्स रिटेन कर पाए या नहीं कर पाए. एंड द टॉप 3, दे आर स्टिल सेम. अनुज, अनीता, अर्णव. देन वी हैव प्रशांत,
निकिता, निखिल, न्यू नेम महक, वेलकम. देन वी हैव शेख, यू आर द फास्टेस्ट. ओके लिली, यू आपने अपना नाम ही रख लिया. लिली कभी तो टॉप आए, बिल्कुल आएंगे आप टॉप पे. फाइनली यू आर ऑन द लीडर बोर्ड. एंड वी हैव विवेक ऑल्सो, विवेक अ न्यू मेंबर टू आवर फैमिली, है ना. चलिए आगे चलते हैं. आर यू एंजॉइंग, सबको मजा आ रहा है. सही था बच्चे आपका, चैतू आपका भी ठीक था, गुड. लेकिन जितना जल्दी आंसर दोगे, करेक्ट दोगे, तभी आपका नेम आएगा लीडर बोर्ड पे, अदरवाइज नो. लीडर बोर्ड इज वेरी स्मार्ट, वो सारे करेक्ट वालों को जगह नहीं देता है, जगह तो सिर्फ 10 की है. तो जो फास्ट फास्ट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे, जिनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, ओनली देन दे विल गेट पोजिशन इन द लीडर बोर्ड. चलिए आगे चलते हैं टू आवर थर्ड क्वेश्चन. गेट रेडी गाइज, स्क्रीन्स और योर आईज शुड बी ऑन menti.com. ट्यूब फीट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इजी क्वेश्चन आ गया है. ट्यूब फीट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टार फिश, जेली फिश, डेविल फिश, कटल फिश. कम ऑन कम ऑन, वेरी इजी. अब तो साइंटिफिक नेम भी नहीं पूछे. ट्यूब फीट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टार फिश, जेली फिश, डेविल्स फिश, कटल फिश. लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स गाइज. ओके फटाफट से आंसर दीजिए, लास्ट 5 सेकेंड्स. एंड स्टूडेंट्स द टाइम इज अप, द करेक्ट आंसर इज स्टारफिश. अभी क्या था, ट्यूब फिट याद आया, वो जो इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम था जिसकी हेल्प से मूव करते थे. वाटर वैस्कुलर सिस्टम में जहां से पानी बाहर जाता था, एंट्री तो कहां से होता था, मेड्रीपोराइट. एग्जिट कहां से होता था, ट्यूब फीट. तो किसका फीचर है, इकाइनो. इकाइनो कौन है इन सब में से, स्टारफिश. जेलीफिश बिलोंग्स टू सीलेंट्रेटा. डेविलफिश इज द अदर नेम ऑफ ऑक्टोपस, बिलोंग्स टू मॉलस्का. एंड कटलफिश आल्सो बिलोंग्स टू मॉलस्का. सिर्फ एक ही इकाइनो था इसमें, वो कौन सा था, स्टारफिश. ठीक है, ये तो भाई इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था या नहीं था. Come on, tell me guys, it was easy question. So, ये तो सबका ठीक होना चाहिए था. ये जो चार बच्चे जेलीफिश वाला दे रहे हैं, चार बच्चे डेविल फिश पे भी है. वेरी बैड स्टूडेंट्स, वेरी बैड. कुछ पढ़ाई नहीं की आपने. यू वर लाइक दो स्टूडेंट्स जो लास्ट में बैठ जाते हैं और सो जाते हैं, क्लास चल रही है और वो सो रहे हैं. तो सोना नहीं है हमने, हमने पूरे ध्यान से पूरा लेक्चर सुनना है, देन हमने मेंटी में अच्छा परफॉर्म करना है. ठीक है, चलिए लेट मी सी माई टॉप स्टूडेंट्स. And this time we have some change. Top two, they are still consistent. Very good, Anita and Anuj. You are still on the top two. Nikhil, congratulations, bachche. You have occupied third position. You were the fastest. Then we have Nikita, Lily. Aap top pe aa rahe hain dheere dheere. Then Arnav, Sheikh, Aritra, Divyanshu, new name, Mehak, again, very good students, very nice, you are doing very well. ठीक है, fastest one is Nikhil. चलिए आगे चलते हैं to my next question. Get ready everyone, next question. Faster and the accurate answer. Okay, characteristic that hemichordates share with chordates. Come on. Characteristic that hemichordates share with chordates. अभी थोड़ा सा typical question है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. And it is one of the previous year question. Previous year question है ये. Characteristic that hemichordates share with chordates. You have 15 seconds left. Absence of notochord, ventral tubular nerve cord, pharynx with gill slits, pharynx without gill slits. And we have 5 seconds. अभी भी कुछ बच्चों ने answer नहीं दिया है. And yes, the time is up. The correct answer is option number C. C is the correct answer, बच्चे. आपसे पूछा गया था hemichordates क्या share करते हैं chordates के साथ. Hemichordate में बच्चे 23 बच्चे बोल रहे हैं कि ventral tubular nerve cord होती है. क्या हमारी nerve cord ventral है, हम तो chordates है ना, हमारी nerve cord तो पीछे होती है. That is dorsal, my dear students, not ventral. राइट, सो बी नहीं हो सकता. ऑल दो बी पे बहुत जोर लगाया बच्चों ने, बट माय गुड स्टूडेंट, मेरे अच्छे ग्रुप ने क्या किया, उनको एक नंबर से हरा दिया, सिर्फ एक नंबर से. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. एंड फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, नो. एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नो.
नोटोकॉट कॉर्डेट्स के पास होती है, हेमिकॉर्डेट्स के पास नहीं होती है। आई बिलीव नाउ द लीडर बोर्ड इज गोइंग टू चेंज। यस एब्सोल्युटली, अब बिल्कुल पलटने वाला है सारा सीन। लेट अस सी आवर लीडर बोर्ड, क्या चेंजेस आते हैं इस पे। एंग्जाइटी, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट इज देयर। यस इट हैज कंप्लीटली चेंज। अनीता, यू हैव नाउ बिकम द टॉपर। अरित्रा, वेरी गुड बच्चे, फास्टेस्ट वन एज वेल एज ऑन नंबर टू। देन शेक, योर परफॉर्मेंस इज इम्प्रूविंग। निकिता, ऑल्सो वेरी गुड परफॉर्मेंस। कुछ बच्चे नए आए हैं लीडर बोर्ड पे विद दिस क्वेश्चन, विद अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अक्षित, विपुल, संदीप, अनिष्ठा, अनुज, दिव्य, वेरी गुड। पूरा लीडर बोर्ड चेंज हो गया है। जो बच्चे पहले लीडर बोर्ड पर राज कर रहे थे, अब वो देखो इस क्वेश्चन के साथ पीछे रह गए हैं। तो हमें हर चीज ध्यान से पढ़नी है इफ यू वॉन्ट टू रिमेन कंसिस्टेंट। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आया, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट योर लव ऑन दिस वीडियो। अगर आप सब मजा करते हैं इस सेशन में, बहुत सारे सीखने के साथ, लर्निंग्स के साथ, देन जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक्स भी होने चाहिए, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने शेयर भी होना चाहिए, उतना सब्सक्राइब भी होना चाहिए, ठीक है। तभी हम नेक्स्ट टाइम एक मेगा मेंटी इवेंट लेके आने वाले हैं, मेगा मेंटी। सो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन आने से पहले ओपन यूट्यूब, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैव नॉट, लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस, देन लास्ट क्वेश्चन विल कम ऑन योर स्क्रीन। आप अपनी ड्यूटी करके आइए, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। यस, चलिए, आई बिलीव एवरीवन हैज डन। नाउ गेट रेडी for the ultimate question, the deciding question of this M square, last one. Select the animals belonging to phylum Hemichordata. Easy question. चलिए, flatworms, earthworm, dentalium, chiton, roundworm, tongueworm, balanoglossus, sacoglossus. फटाफट से answer and correct answer. Animals belonging to phylum Hemichordata. Right, we have last 10 seconds. That it is the last question of Menti. जिसके बाद winner आएगा हमारे पास. 5 seconds, guys. Animals belonging to Hemichordata. And students, the time is up. The correct answer, as given by the majority, it is option number D. Balanoglossus, Sacoglossus, Tongueworm, Acornworm. ये सब क्या हैं? Hemichordates हैं. है ना बच्चों? All of these are hemichordates. Roundworm देखिए क्या हो जाएंगे, asechelminthes. Tongueworm तो hemichordate थे. Dentalium chiton क्या है, mollusca. Flatworm is platyhelminth. Earthworm is annelida. So are you ready for the ultimate winner of this M square? Ultimate winner of this M square. And students, the ultimate winner is, I guess it is going to be, yes, leaderboard बहुत time ले रहा है. Yes, we have Anita. Anita is the ultimate winner of our today's M square session. इसके बाद वाले बच्चों को भी देखते हैं, they also deserve reward. Ashik, Nikita, Aritra, Vipul, Sandeep, Anuj, Nikhil, Divya and Arnav. तो ये सारे बच्चे हैं मेरे जिन्होंने मेंटी पर आज रूल किया है, रूलिंग. अनीता, यू आर द रूलिंग गर्ल. अगेन द गर्ल पावर हैज वॉन टूडे. गाइज, यू पीछे रह रहे हैं आप. बॉयज, यू आर लैकिंग बिहाइंड. गर्ल्स आर विनिंग एवरी डे. सो नेक्स्ट टाइम जब हमारा एम स्क्वायर सेशन होगा, आई वॉन्ट मेल पावर टू शो, बॉयज पावर टू शो. कैन यू शो दैट? बिल्कुल माही, 12th रैंक इज ऑल्सो गुड. कर देंगे बॉयज अगली बारी रूल करेंगे इस मेंटी पर. यस जिष्णु, आपके भी सारे आंसर्स ठीक थे, बट नेक्स्ट टाइम आंसर ऑन द मेंटी. चलिए, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सी यू on Monday with another session. We will start with chordates and we may have a mega mentee also. Aapko notification mil jayegi. For that you have to press the bell icon. Okay students, till then you guys take care. Achche se padhai karna. Padhai karne ke baad hum milenge Monday ko 5 p.m. Take care. Goodbye.